शीट भी होती है खत्म। जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो शीट नंबर 22 का प्रिंट आउट लें प्लीज। तो अभी तक हमने क्या किया रिवीजन? हमने चार चीजें की हैं शुरू से लेके अब तक। पहली क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। फॉर्मूले में कंफ्यूजन ना हो तो फॉर्मूले साथ साथ लिख दिए। फोर्स में Q1 Q2 / R², फील्ड में Q/R², पोटेंशियल एनर्जी में Q1 Q2 / R और पोटेंशियल में Q/R। को डाउट इसमें? पॉइंट सबको समझ में आ रहा है यहां तक? फिर एफ वॉज अ वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर जिसका फॉर्मूला था फोर्स बाय चार्ज। फोर्स के ऊपर वेक्टर ड्रॉ करो प्लीज, इसके ऊपर एरो। एफ वेक्टर बाय क्यू नॉट, ई वेक्टर इज एफ वेक्टर बाय क्यू नॉट। ठीक। एनर्जी इज अ स्केलर, पोटेंशियल इज अ स्केलर। तो फोर्स को डिवाइड किया टेस्ट चार्ज से के साथ तो ई आया, एनर्जी को डिवाइड किया टेस्ट चार्ज के साथ तो वी आया। तो कॉन्सेप्ट सेम ही चल रहा है, एक वेक्टर में और एक स्केलर में। ये भी क्लियर है यहां तक? रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। अब मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस की एक और डेफिनेशन बता रहा हूं। आप कहोगे बस बहुत है पहले ही, इससे ऊपर अब और जा नहीं सकते, पर ये मैंडेटरी है, ये जरूरी है बतानी। इसके बिना गाड़ी क्योंकि चलेगी नहीं, ना अब चलेगी और ना ही कैपेसिटर की चलेगी, क्योंकि अब जो फॉर्मूला करने जा रहे हैं वो कैपेसिटर चैप्टर का बेस बनने वाला है, तो ये करना जरूरी है। और फॉर्मूला फॉर्मूला कुछ नहीं है, एक लाइन का ही काम है। जैसे देखो, मान लो आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ई एक्सटर्नल, किसी ने चार्ज लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया हुआ है। मान लो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने क्यू चार्ज को रखा, क्यू पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और कितनी फोर्स? क्यू इनटू ई, और ई कहां है? राइट। तो फोर्स भी कहां लगेगी? टुवर्ड्स राइट। गुड आउट। इसमें यही किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने, फोर्स वाले चैप्टर में ये फोर्स लगेगी। चार्ज क्यू विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर एंड गेट्स डिस्प्लेस टुवर्ड्स राइट। मैंने इसको राइट डिस्प्लेस करवाया नहीं, मैंने तो टच भी नहीं किया, मैं तो चार्ज को रखा था। तो वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो इसमें काम कौन कर रहा है डिस्प्लेसमेंट का? इलेक्ट्रोस्टैट्स कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। मेरा वर्क डन तब माना जाएगा जब मैं अगेंस्ट फील्ड जाऊंगा, कि चार्ज जाना चाहते हैं राइट, मैं लेके जाना चाहता हूं लेफ्ट। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, तो फोर्स कितनी लग रही है? एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक, इंपॉर्टेंट, ये वर्क डन कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना वर्क डन कर रहा है? एफ वेक्टर डॉट डीआर वेक्टर, डीआर डिस्प्लेसमेंट है मान लो। ये स्टेप क्लियर है? तो ये वर्क डन कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। और फोर्स किसके इक्वल है? क्यू इनटू ई। क्यू को इसको नीचे ले आते हैं, वर्क डन अपॉन चार्ज। किसी ने कहा कि ये क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने कहा ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो सकता। पूछा क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल डिफरेंस जो वर्क डन लेती है वो कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक का नहीं लेती, वो हमेशा किसका लेती है? एक्सटर्नल का लेती है। और मैंने वर्क डन किसका निकाल दिया? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो अगर आप सही डेफिनेशन बनाना चाहते हो पोटेंशियल एनर्जी की या पोटेंशियल डिफरेंस की, तो फिर आपको वर्क डन बाय एक्सटर्नल लेना पड़ेगा। पर आपने किसका वर्क डन निकाल दिया? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो मैंने लिखा बट पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन में वर्क डन किसका होता है? एक्सटर्नल एंड नॉट ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो कोई दिक्कत नहीं, एक्सटर्नल और इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन का रिलेशन तो हमें आता ही है कि अगर वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक है, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल। तो इसका मतलब जो ये टर्म आई थी, इसको फिर से लिखा मैंने नीचे, तो मैं इसकी जगह क्या रिप्लेस कर सकता हूं? माइनस वर्क डन बाय एक्सटर्नल। एक ही बात है, पर मुझे साइन क्या लगाना पड़ेगा इसमें? माइनस। ये स्टेप क्लियर है? मैंने वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक निकाला, पर मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक को किसमें कन्वर्ट कर लिया? एक्सटर्नल।
क्लियर यहां तक? तो ये डेफिनेशन यहां तक क्लियर है, और माइनस साइन राइट पे चला गया, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इसके इक्वल है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, दोनों साइड्स की इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में ये टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल, और लिमिट कहां से कहां लेके जा रहा हूं, मान लो चार्ज को आर वन से आर टू, मुझे बताओ कि ये इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती है, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय किस चार्ज को आप लेके जा रहे हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। ये रूल समझ में आ रहा है यहां तक, सॉर्ट ऑफ क्लियर है? तो इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। एक नई डेफिनेशन आ गई पोटेंशियल डिफरेंस की, ये रही माइनस ई डॉट डी आर की इंटीग्रेशन फ्रॉम आर वन से आर टू भी क्या कहलाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आज के बाद पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे कैलकुलेट करें या ऐसे कैलकुलेट करें, बात एक ही है, फॉर्मूला है ये पोटेंशियल डिफरेंस का, और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का ये है, और ये बहुत बार यूज होने वाला है, आपको ये भी बता दूं मैं। ठीक है यहां तक? तो ये डेफिनेशन समझ में आ गई कैसे बनी, देवदीप? ठीक है यहां तक? और ये चीज समझ में आ रही है कि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक कैसे चेंज हो जाता है एकदम, मतलब वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक से निकालते हैं, माइनस लगा के एक्सटर्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, और अपने मतलब की डेफिनेशन निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने अपना काम एक्सटर्नल से ही करवाना होता है। ठीक, ये बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक, तो इसमें मैंने लिख दिया फाइनली कि पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय चार्ज क्यू इज इक्वल टू माइनस ई डॉट dr, लिख लेना, या r1 वेक्टर से r2 वेक्टर लिखना भूल गया मैं, लिखना पड़ेगा r1 वेक्टर से r2 वेक्टर। ये सारी डेफिनेशन किसकी है, पोटेंशियल डिफरेंस की। चाहे तो ऐसे निकलवा लो v2 minus v1, सिंपल तरीका, चाहे ऐसे निकलवा लो, चाहे ऐसे निकलवा लो, तीनों के तीनों का मतलब क्या होगा, पोटेंशियल का डिफरेंस। ठीक है यहां तक? और अगर मैं ये बोलूं कि इनिशियली R1 तो इनफाइनाइट था, यानी कि दो चार्जेस पहले कितने डिस्टेंस पे थे, इनफाइनाइट, और बाद में और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। इन्फिनिटी पे ना तो फोर्स लगती है, ना एनर्जी होती है, ना पोटेंशियल होता है, और बाद में मैंने कितने सेपरेशन पे कर दिया उन्हें, R, तो मान लो पोटेंशियल क्या हो गया, V। तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है, V2 minus V1 is minus E dot dr R1 से R2। तो मेरा स्पेशल केस क्या बनेगा, इनिशियली R1 जब इन्फिनिटी पे है तो V1 क्या है, जीरो, R2 की जगह R, तो ये क्या बन गया, एक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस में एक पोटेंशियल इसलिए जीरो हो गया बिकॉज पहला चार्ज कहां पर रखा गया, एट इन्फिनिटी। और डेफिनेशन याद करो पोटेंशियल की क्या होती थी, कि अगर हम चार्ज को इन्फिनिटी से R पे लेके आए तो उसे हम पोटेंशियल बोलते थे, तो लिमिट क्या लगी, इन्फिनिटी से R। तो अगर किसी न्यूमेरिकल में, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, अगर तो लिमिट लगती है R1 से R2, फिर तो समझो क्या निकला, पोटेंशियल का डिफरेंस। और अगर लिमिट लगी इन्फिनिटी से R, तो समझो फिर क्या निकला, सिर्फ पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल में यही तो फर्क है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइनाइट से फाइनाइट डिस्टेंस के बीच में वर्क डन होता है, और पोटेंशियल इन्फिनिटी से R का वर्क डन होता है। तो ये फॉर्मूला याद करना है, न्यूमेरिकल आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएंगे, इसमें आपको E देगा, आपको R देगा, और आपको कहेगा पोटेंशियल निकाल लो इंटीग्रेट करके, तो लिमिट पुट करनी है इन्फिनिटी से R। अगर कहेगा पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, तो फिर लिमिट पुट करनी है R1 से R2 के बीच में। कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक? तो इस डेफिनेशन को अब यूज कैसे करना है, बस इतनी ही थ्योरी आज हम करने वाले हैं, और इसके बेस पे क्या कैसे क्वेश्चन आएंगे, बस वो डिस्कस करने हैं। सो यहां से शुरू करेंगे दो मिनट के बाद।
चलो ठीक, फिर से शुरू करते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस अब तीन तरीके से निकाला जा सकता है। पहला तरीका, आपको Q चार्ज गिवन है, A पॉइंट RA डिस्टेंस पे है, B पॉइंट RB डिस्टेंस पे है, तो A पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो, B पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो और दोनों को क्या कर दो, माइनस। पहला मेथड सबसे बढ़िया मेथड। सेकंड मेथड, आपको Q नॉट चार्ज टेस्ट चार्ज या Q नॉट चार्ज को B से A पे लेके गए, जिस चार्ज को उठा के लेके आते हैं वो हमेशा टेस्ट चार्ज होता है और वो कभी भी किसी भी जगह पे पोटेंशियल नहीं लगाता, उसका नहीं लेना। तो यहां पर पोटेंशियल ए और बी पे कौन लगाएगा, क्यू लगाएगा। तो क्यू चार्ज ए पे पोटेंशियल लगाएगा वी ए, क्यू चार्ज बी पे लगाएगा वी बी। आप चार्ज को कहां से लेके गए, बी से ए, चार्ज फाइनली कहां लैंड करता है, ए पे, तो फाइनल पोटेंशियल वी ए। कहां से लैंड करता है, बी से, तो इनिशियल पोटेंशियल वी बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज वी ए माइनस वी बी। और वैसे भी ए पॉइंट ज्यादा पास है बी के, तो पोटेंशियल ए का बड़ा ही होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी। और पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती है, वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम बी टू ए डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। तो न्यूमेरिकल इसके ऊपर भी आ सकते हैं, ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है यहां तक। तो वर्क डन निकालना है, कितने चार्ज को लेके जाना है, क्यू नॉट, तो वर्क डन अपॉन क्यू नॉट इज ऑल्सो नोन एज पोटेंशियल का डिफरेंस। ये सेकेंड डेफिनेशन है। तीसरी डेफिनेशन, आप मान लो टेस्ट चार्ज को बी से ए पे लेके आए, जब आप बी से ए पे लेके आए, दूर से पास लेके आए, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इसमें, वी बी माइनस वी ए नहीं, बी से ए पे लेके आए, फाइनली चार्ज कहां लैंड हो रहा है, ए पे, तो फाइनल पोटेंशियल किसका माना जाएगा, ए का माइनस बी का, वी ए माइनस वी बी। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक की, आर बी से आर ए, ध्यान से देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रिपीट कर रहा हूं, लिमिट कहां से कहां तक, आर बी से आर ए, यानी कि इनिशियल एंड फाइनल। और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या आएगा, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। क्या ये डेफिनेशन क्लियर है, ये तीन चीजें हमने की। इन तीनों डेफिनेशन पे न्यूमेरिकल कैसा आएगा ये देखो, अगर आपके पास एक चार्ज है 10 कूलम और सपोज 3 मीटर और 5 मीटर दूरी है, ए पॉइंट पर पोटेंशियल निकलेगा 10 का 10/3 और बी पॉइंट पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 10/5, पोटेंशियल डिफरेंस बोलो क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल बड़ा पोटेंशियल माइनस छोटा पोटेंशियल। पहला मेथड क्लियर, क्लियर है यहां तक, पोटेंशियल निकाल लो और उनका डिफरेंस निकाल दो। दूसरा, मान लो 2 कूलम के चार्ज को मैं बी से ए पे लेके आता हूं, तो जिस चार्ज को उठा के लेके आ रहे हैं वो क्वेश्चन में कहा हो या ना कहा हो, ये कौन सा होता है, इमेजिनरी टेस्ट चार्ज। तो इमेजिनरी टेस्ट चार्ज है, इसको उठा के लेके आ रहा हूं मैं 2 कूलम को बी से ए पे, आपको वर्क डन निकालना है इसको करने के लिए। तो सबसे पहली चीज, ए का पोटेंशियल 3 कूलम लगाएगा, बी पे पोटेंशियल 3 लगाएगा, 2 तो बिल्कुल भी नहीं लगाएगा बिकॉज 2 इज अ टेस्ट चार्ज। तो 3 कूलम कितना लगाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 3/2, और बी पे 3 कूलम कितना लगाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 3/5। तो इसमें डेफिनेशन क्या यूज करेंगे, वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम बी टू ए, और कितने चार्ज को लेके जाना है, 2 is known as potential का difference, और potential difference क्या होगा, finally charge कहां land हो रहा है, A पे, तो final potential VA minus VB, आपको VA पता है, आपको VB पता है, निकाल लिया, और work done की value can be calculated, कहां पे ले, ले तो लिया नीचे test charge, potential में, टेस्ट चार्ज पोटेंशियल लगाता है ना, फील्ड लगाता है, तो सारा थ्योरी गलत हो जाएगी शुरू से लेके अब तक। अगर टेस्ट चार्ज भी लगाने लग गया फिर तो किसका आप पोटेंशियल किसका निकालोगे, उसका निकालोगे कि टेस्ट को स्टडी, टेस्ट को तो सिर्फ टेस्टिंग के लिए रखना है, ये पोटेंशियल नहीं लगाता कभी भी, रूल है। अर्थ के फील्ड को स्टडी करने के लिए मून का फील्ड क्यों लेंगे, अर्थ का ही अकेला फील्ड लेंगे ना, अर्थ के सामने बाकी सभी मासेस छोटे हैं, ऐसे उस चार्ज के सामने बाकी सभी चार्जेस को नहीं लेना, निगलेक्ट कर देना है। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। नेक्स्ट है, सपोज आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है एक्स एक्सिस के अलोंग 2xi कैप गिवन है, और 2 मीटर से 3 मीटर का डिस्टेंस गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी में निकालना है, और आपको ये चार्ज नहीं गिवन जो वहां पोटेंशियल लगा रहा है। अब आपको एक नई डेफिनेशन बताया पोटेंशियल डिफरेंस, अब आप मान लो बी से ए पे चार्ज को लेके आए हो,
तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, ये डेफिनेशन यूज करनी है, माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, इसमें डी आर की जगह एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोशन है तो यहां पर डी एक्स, ई वेक्टर एक्स के लॉन्ग चल रहा है, आई कैप है और डी एक्स भी आई कैप ही चलेगा इसमें, तो इसमें डॉट प्रोडक्ट है तो यहां पर टू एक्स डी एक्स। लिमिट कहां से कहां बताई थी पिछले अभी थ्योरी में, आर बी से आर ए, तो यहां पर क्या आएगा थ्री से टू। क्लियर यहां तक, कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है? लिमिट आरबी से आर ए, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो 2x की इंटीग्रेशन में 2 तो बाहर आ गया और x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, 3 से लेके 2 तक लिमिट पुट करो, 5 वोल्ट आंसर आएगा। ये मेथड समझ में आया, एंड वाला मेथड, एंड वाले मेथड में आपको क्या करना है, ये डेफिनेशन यूज करनी है, ये समझ में आता है। ई वेक्टर आई कैप में समझ में आता है, जब ये थ्योरी बनी थी तो थ्योरी के अंदर हमने ये माना था वर्क वॉज डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या कर रहा था, चार्ज को दूर लेके जा रहा था, दूर का मतलब अलोंग एक्स एक्सिस लेके जा रहा था, तो डिस्प्लेसमेंट भी किसके अलोंग थी, एक्स के अलोंग थी, ये भी आए ये भी आए, पर लिमिट हम उल्टी करते थे याद करो, और माइनस साइन क्यों लगाते थे थ्योरी में, ताकि एक्सटर्नल का वर्क डन कैलकुलेट हो सके, तो माइनस साइन आया था। और एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होगा, आप दूर से पास लेके आ रहे हो एक चार्ज को, तो 3 से 2, तो इस तरीके से आप इसको ध्यान से नोट करोगे। और भी क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव, तो मैं ऑब्जेक्टिव कैसे प्रैक्टिस करवाऊंगा इसकी, पर ये पॉइंट समझ में आया। और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है जिसमें ये मेंस नीट सब में आता है, एक बार क्वेश्चन पढ़ना क्या है और कितने लोगों को समझ में आ गया ये देखें एक बार। So, इसके अंदर 9 कूलम 7 कूलम का चार्ज पड़ा हुआ है यहां पे, डिस्टेंसेस आपको इसमें गिवन है, और एक चार्ज 5 कूलम को उठा के ए से बी पे रख रहा हूं मैं, तो 5 कूलम ना फील्ड लगाएगा ना ये पोटेंशियल लगाएगा, ये कुछ नहीं लगाएगा, बिकॉज ये एक टेस्ट चार्ज है तो कुछ नहीं लगाएगा। मैंने अपने मन से लिया क्वेश्चन, तो मैंने कुछ भी ले लिया, तो जो जो भी इसमें क्यू नॉट गिवन होगा आपको नहीं लेना, मतलब कि ठीक, अभी कहना चाहते हो कि ये इसके पास पास है तो ये तो पोटेंशियल लगा देगा, वो प्रैक्टिकली तो लगाएगा बट रूल वाइज नहीं लगाएगा, तो आपने नहीं लेना इसको। चलो मैं चेंज कर दूँ, छोड़ना 10^-5 करना चाहता था दरअसल, मन में कुछ भी ले लिया, वो ठीक कह रहे हैं। टेस्ट चार्ज कहाँ से हो गया, टेस्ट चार्ज का मतलब जो बहुत छोटा चार्ज है, मैंने 9 और 7 के मुकाबले 5 ले लिया, तो वो कह रहा है कि 5 तो फील्ड लगाएगा ही, तो होना चाहिए था 10^-5। अब ठीक है, मैंने ऐसी वैल्यू बनाई तो मैं मेरा ध्यान नहीं रहा, मैंने कुछ भी ले लिया, बट पॉइंट समझ में आ गया यहाँ तक, जो मूव करेगा वो टेस्ट चार्ज, उसको लेना नहीं, वो छोटा ही होता है। तो इसके अंदर अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है, तो मेरे को पता है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन ए से बी कितने चार्ज को कैरी करके ले जाना है, 5 को, इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज कहां से कहां जा रहा है, ए से कहां लैंड हो रहा है, बी पे, तो फाइनल पोटेंशियल में वी बी, इनिशियल में कौन, वी, याद नहीं करना ए में से बी माइनस करना है कि बी में से ए माइनस करना है, कुछ भी आएगा, जहां लैंड हो रहा है वो फाइनल, जहां से लैंड हो रहा है इनिशियल। क्लियर, तो ये डेफिनेशन आपने लिख दी, ये लिख दी, वर्क डन निकालना है तो 5 राइट साइड पे गया, 5 × VV − VA, ये भी स्टेप क्लियर है यहां तक, ठीक। तो इसके अंदर अब VB और VA निकाल लें, VB की वैल्यू में कौन कंट्रीब्यूट करेगा देखें, इसके आसपास कितने चार्जेस हैं, 1 7 और 1 9, इसको तो लेना नहीं, तो 7 भी इसके ऊपर पोटेंशियल लगाएगा, 9 भी लगाएगा, तो बोलो इसमें 9 कितना लगाएगा, 1/4πε₀ 9/3, और 7 कितना लगाएगा, 1/4πε₀ 7/2, ये आ गया पोटेंशियल। सिमिलरली ए पॉइंट पे पोटेंशियल कौन लगाएगा, 9 भी लगाएगा 7 भी लगाएगा, ये खुद तो लगाएगा नहीं, 1/4πε₀ 9/2, 1/4πε₀ 7/3, ये रहा। इस VA और VB की वैल्यू को उठाओ यहां पर पुट कर लेना, 5 से मल्टीप्लाई कर लेना, वर्क डन की वैल्यू आएगी। कोई डाउट इसमें, पॉइंट सबको समझ में आ रहा है, लिखना पड़ेगा आज की आज ये लेक्चर, क्योंकि काफी कंटेंट हुआ है आज के लेक्चर में, मतलब ठीक ठाक हुआ है, आपको
काफी टाइम लगेगा, आपको समझ के लिखना है, दिमाग में बिठा के लिखना है, ठीक है ना।